हेलो एवरीवन, कल हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर वन है, जिसका इंग्लिश एक पार्ट है और उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देख ली। अगर किसी ने मिस किया वो वीडियो तो आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है हमारा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि इसके 3 से 4 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं आने। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस आना फिक्स ही है। तो हम जान लेते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है हमसे, लेकिन हमें होना पता होना चाहिए, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। तो ईडियम क्या है? एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। कोई भी सेंटेंस है तो उसका एक लिटरल मीनिंग तो होता ही है, लेकिन जो ईडियम होते हैं उनमें उसका लिटरल मीनिंग को कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि उसे किसी और कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे ये एक ईडियम है, स्टैब्ड इन द बैक। तो इसका सीधा सीधा मतलब देखा जाए तो ऐसे है कि जैसे किसी ने किसी की पीठ में छुरा मार दिया हो, कोई चाकू मार दिया हो, स्टैब्ड का मतलब यही होता है। लेकिन हम इसको यूज कैसे करते हैं? किसी को धोखा दे दिया हो। तो दूसरा ईडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका जो कंटेक्स्ट में मतलब बन रहा है, जो लिटरल मीनिंग है इसका, वो क्या है कि किसी एक पत्थर से हमने 2 बर्ड्स को मार दिया, मतलब तो इसका यही बन रहा है। लेकिन हम इसका यूज कैसे करते हैं, या फिर किस सिचुएशन में करते हैं, कि जब हम किसी एक तरीके से हमें दो दो फायदे हो रहे हों, कि हमने एक तरीका किया, कोई एक काम किया और उससे हमें 2 अलग अलग फायदे हुए। तो इडियम्स में यही होता है कि कोई भी सेंटेंस है उसका एक्चुअल मीनिंग कंसिडर नहीं किया जाता, अलग मीनिंग कंसिडर किया जाता है। अब ये ईडियम्स हैं, इनको कोई हम कोई गिनती नहीं है इनकी। जैसे वोकेबलरी बहुत ज्यादा वाइड है, वैसे ईडियम्स भी बहुत ज्यादा वाइड है। तो ये बच्चे याद करते हैं सब, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो अलग मीनिंग है वो कैसे समझा जाए। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि हर किसी के जो भी ईडियम बनती है उस वो किसी ना किसी सिचुएशन पे बेस्ड होती है, या फिर किसी माइथोलॉजी से बेस्ड होती है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको हर किसी ईडियम की स्टोरी बताई जाए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो उसे। ईडियम समय पता चल गया। दूसरे एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स, अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट अप। अब एक्ट का मतलब कुछ हो रहा है, अप का मतलब कुछ हो रहा है, और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद कोई मतलब बन नहीं रहा। लेकिन जब ये दोनों वर्ड साथ में आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? बिहेव बैडली। कुछ लेना देना नहीं है इसका, कुछ लॉजिक नहीं होता फ्रेजल वर्ब का। ये हमें एज इट इज क्रैम करनी होती है। इस पे खास क्वेश्चंस भी नहीं बनते, और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत बेसिक फ्रेजल वर्ब्स पे बनते हैं, जो हम जरूर करेंगे। इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस पे। अब ईडियम और प्रोवर्ब, ये दोनों सेम सेम साउंड करने वाले वर्ड्स हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं कि क्या फर्क है दोनों में और दोनों क्या क्या चीजें हैं। अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। प्रोवर्ब जो भी होते हैं वो उनमें कोई मॉरल्स होती हैं, कोई अच्छी बात होती है और बहुत पॉपुलर सी होती है। जैसे अ गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग, हिंदी में हम इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब कि कुछ मॉरल वैल्यूज टाइप होते हैं ये। जनरली ट्रू इन लाइफ लिखा हुआ है। तो अब ईडियम्स हम करने वाले हैं। मैंने कुछ हिंदी में भी लिखे हैं इन कईयों के मीनिंग, और कईयों के मीनिंग इंग्लिश में भी लिखे हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम, और सभी अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, ताकि आपको कभी कोई ईडियम का मीनिंग सर्च करना हो तो आपको कोई खास दिक्कत ना आए। अब पहला ईडियम हमारा क्या है? अ बी हाइव। तो बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है? उसमें सारी की सारी जो मधुमक्खी होती है वो भरी होती है, कोई भी जगह उसमें खाली नहीं होती। तो एक व्यस्त जगह, कोई भी जगह जो बहुत ज्यादा बिजी हो, तो हम उसे कह सकते हैं बी हाइव। सेकेंड है अ बोन टू पिक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो जनों में लड़ाई हो रही है, कि ये जो बोन है इसे कौन पिक करेगा, कौन उठाएगा, ये बोन किसकी है। तो ये कोई विवाद है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें किसी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कोई दिक्कत हो, तो हम उससे जाके कह सकते हैं आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, हाउ कुड यू से दैट टू मी। तो ये बहुत ही जो भी सारी इडियम्स है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ में यूज होने वाली हैं।
तो आप इनमें से कोई भी ईडियम्स को चूज कर लें जो आपकी फेवरेट हो और उसे एक दिन में एक बार यूज करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई ज्यादा कोई भी ईडियम ज्यादा पसंद आई हो तो। थर्ड है हमारी अ केक वॉक। केक वॉक यानी एक आसान कार्य, बहुत ही ज्यादा जो सिंपल काम हो। केक वॉक, केक पे वॉक करना कितना आसान होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है केक, कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर कोई पत्थर वाली सड़क हो तो उसमें चलने में दिक्कत आएगी, लेकिन केक पे वॉक करना आसान होगा, आसान कार्य। अ चिल टू द हार्ट। चिल का यहाँ पे मतलब है फ्रीज हो जाने से, कि रुक जाए, इतना ज्यादा हमें डर लग जाए किसी चीज से कि दिल ही रुक गया। अ चिल टू द हार्ट। अगला है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्टेड मतलब मुट्ठी, कोई बंद मुट्ठी वाला आदमी, यानी कि जिसके हाथ से पैसा ही ना निकले, कोई बहुत ज्यादा कंजूस हो, कंजूस इंसान। अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग हमारे एग्जाम टाइम्स में आया करती थी, आप सबको भी याद होगा। फ्लाइंग क्या है? थोड़ी देर के लिए आती है, पूरे टाइम तो इन्विजिलेटर बैठता होता है, फ्लाइंग यानी थोड़ी देर का विजिट। अ हरक्यूलियन टास्क यानी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम। हरक्यूलियन कोई ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, हिंदी में हम इसे ये बोलते हैं। वैसे इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कोई खुश होना, कोई थोड़े टाइम के लिए ही, थोड़े टाइम की खुशी। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट। अब हमें अगर सोर का मतलब पता होगा तो हम बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। सोर वो होता है कि कोई भी बॉडी में अगर किसी भी पार्ट में हमें पेन हो रहा तो उसे हम कहेंगे सोर, अ सोर पॉइंट। अब इसका मीनिंग क्या यूज किया हुआ है? एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज कर सकता है, कोई ऐसी बात। हर किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है जिसकी अगर बात की जाए तो उसे कोई उदासी हो सकती है, नाराज हो सकता है वो। तो अगर कोई भी आपके किसी वीक पॉइंट को ऐसा कुछ बोलता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप उसे कह सकते हो डोंट टच माई सोर पॉइंट। नेक्स्ट है अ स्क्वायर डील, ईमानदारी भरा काम। सिंपल है, बहुत यूज होता है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है अबव पार, साधारण से ऊपर। पार का मतलब क्या होता है? इक्वल, तो इक्वल से ऊपर, तो हो गया अबव पार। बिलो पार का मतलब हो जाएगा इसका ऑपोजिट, नीचे। एक्लिस हील। एक्लिस क्या है? ये भी माइथोलॉजी से रिलेटेड है, इसको कुछ वरदान मिला था शायद, नहीं मैंने रिसर्च किया, उसमें आया था कि भी उसको कहा था कि इस समुद्र में जाके तुम नहाओ तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो लोहे का हो जाएगा, लेकिन ये जैसे जाता है तो इसकी जो हील है, जो एडी है, वो कवर्ड रह जाती है। इस वजह से वो इसको मरने का कारण फिर वही बनता है, ऐसा कुछ है, तो वो उसका कमजोर पहलू हो जाता है। तो अगर किसी की भी कोई कमजोरी है तो उसे कह सकता है दैट इज माई एक्लीज हेल। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर, यानी कि किसी को भड़काना। ये हमारा यूज किया हुआ है काफी, हिंदी में हम इसे कहते हैं आग में घी लगाना, ये आप सभी को आता होगा। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी, स्थिति को बदतर बना देना, कोई भी सिचुएशन है उसको और ज्यादा खराब कर देना। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, यानी कि सुनने को उत्सुक, कि अगर आप किसी आपके पास कोई कॉल है या फिर आपको कोई बुला रहा हो और आप बिजी हो, लेकिन बाद में जब आप उसके के पास जाओ तो आप उसे कह सकते हो कि नाउ आई एम ऑल ईयर्स, टेल मी व्हाट यू वांटेड मी टू से। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक। ग्रीक जहां भी यूज होता है तो उसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि अजीब सा, तो ऑल ग्रीक यानी कुछ अनजान, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। नेक्स्ट इडियम हमारी है ऑल मून शाइन। मून शाइन का मतलब क्या होता है? कि जो मून की जो लाइट होती है वो उसकी खुद की नहीं होती, वो सन की रिफ्लेक्शन होती है, तो ऑल मून शाइन यानी एकदम झूठी बात, जो बिल्कुल झूठ हो। नेक्स्ट है एन आई फॉर एन आई, यानी ये हिंदी में इसको कहेंगे खून का बदला खून। जितनी भी इडियम्स हैं उनका या तो हिंदी में मीनिंग होगा या फिर किसी केस पे बना होगा, कि कोई डेली लाइफ सिचुएशन पे बना होगा या फिर कोई माइथोलॉजी से रिलेशन होगा। एन आई फॉर एन आई यानी खून का बदला खून, यानी जैसे को तैसा। अब इस पे एक प्रवर्ब भी है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब हमें डिस्कॉर्ड का मतलब नहीं पता, डिस्कॉर्ड का मतलब पता होता तो हम कर सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड क्या है? कॉर्ड, कॉर्ड हम कोऑर्डिनेशन में आता था, डिस्कॉर्ड यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, यानी लड़ाई होती है, तो विवाद या झगड़े का कारण, उसे हम कहेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक कौन है? जो कुर्सी पे बैठ के क्रिटिसाइज करता है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यानी जो प्रिटेंड करता है कि उसे सब कुछ पता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्म्ड टू द टीथ, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो वेपन से हेविली आर्म्ड हो,
यानी उसने अपने दांत भी सुरक्षित कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं वेपन से। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन को हम फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तो जाने नहीं वाला, पास में ही जाएगा, तो एट अ स्टोन्स थ्रो यानी वेरी क्लोज। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ भी वन एंड डिस्टेंस कॉमन हमारा यूज, अब आपने यूज किया होगा। उससे नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पसेस, यानी जिन लोगों के पर्पस अलग हो तो ऑफ कोर्स उनमें लड़ाई तो रहेगी, जो विरोधी हैं एक दूसरे के। एट ड्रैगर्स ड्रोन, अब ड्रैगर्स का मतलब हमें पता होना चाहिए, ड्रैगर्स का मतलब है खंजर, अब इससे हमें पता चल जाता है कि कोई लड़ाई की बात है। नेक्स्ट है एट स्नेल्स पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, स्नेल बहुत धीरे धीरे चलता है तो वेरी स्लो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी हैट उतारने में तुरंत तुरंत, आई विल डू दिस वर्क एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी कि तुरंत करूंगा काम। एट वंस विट्स एंड यानी विट यानी समझ, जहां उसकी समझ खत्म हो जाए, फुली कंफ्यूज हो जाए। इससे अगला है अ चिप ऑन वंस शोल्डर, इसको हम हिंदी में कैसे कहते हैं, उसकी तो नाक पे गुस्सा रहता है, वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं उसे अ चिप ऑन वंस शोल्डर, यानी जिसे बहुत आसानी से गुस्सा आ जाए। अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, डैम्सल का मतलब होता है लड़की, डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस, अ गर्ल इन डेंजर, कोई भी लड़की खतरे में हो, डैम्सल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है एडम्स एल, ये फिर माइथोलॉजी से आ गया। एडम क्या है कि पहले था कि भी सिर्फ दो ही जन थे धरती पर, एडम और ईव। एल क्या होता है, शराब, तो अब जो एडम होता है उनके टाइम की शराब क्या थी, पानी ही था, ये जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए शराब का होता है, तो एडम के टाइम पे कौन सी शराब होती थी, सिर्फ वाटर ही होता था और तो कुछ था नहीं उनके पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल बाक एंड नो बाइक, सिर्फ बातें या धमकी काम नहीं, कहते हैं ना जो कुत्ते जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी सिर्फ जो धमका सकता है वो कोई काम का नहीं है। इससे नेक्स्ट है ऑल इन द सेम बोट, यानी इन सेम कंडीशन, सभी के सभी जो भी हैं सेम ही बोट हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हम कह सकते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट इडियम हमारी क्या है, एन आयरन विल, आयरन इसलिए यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, मजबूती के लिए, कोई ऐसी विल जो बहुत ही स्ट्रांग हो, स्ट्रांग विल पावर। एट लार्ज, ये बहुत ही कॉमन इडियम है, ये न्यूज़पेपर्स में आती रहती है, द क्रिमिनल इज एट लार्ज, यानी कि कानून की पकड़ से बाहर है, छूट गया है वो, भाग गया है। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, ईगो का मतलब होता है मैं, कोई ऐसा दूसरा जन जो बिल्कुल मेरे जैसा ही हो, क्लोज फ्रेंड हमारा वही होता है जिसमें हमें खुद की क्वालिटीज दिखती हैं, जो हमारे जैसा ही होता है। तो ए से हमारी सारी खत्म होगी, अब हम बी पे आए हैं अल्फाबेट पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी ना होने वाली है इसलिए इसको दो पार्ट्स में करेंगे हम, ये पहला है पार्ट और दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे हम। बी है, बी का पहला है बैक बर्नर, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद इसका नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, क्योंकि बैक बर्नर क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में मिलता है आपको और ये किसी काम का नहीं होता, बस ये रहता है कि ये एक्स्ट्रा पड़ा रहता है कि अगर बर्नर खराब हो जाए तो ये दूसरा यूज कर लो, बैक बर्नर, लैकिंग इम्पोर्टेंस, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान जिसके कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर कौन होगा, जो बैक सीट पे बैठा है लेकिन फिर भी खुद को ड्राइवर समझ रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, समवन हु इंटरफेयर्स इन अफेयर्स विदाउट नॉलेज, जिसे नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा है, आर्मचेयर क्रिटिक की तरह कह सकते हैं इसको। उससे अगला है बैक द रोंग हॉर्स, बैक द रोंग हॉर्स का मतलब है बैक से यहाँ पे मतलब है घोड़े पर बैठना, घोड़े की पीठ पर, तो ऐसे घोड़े की पीठ पर बैठना जो गलत है यानी जो लायक नहीं है, सपोर्ट द रोंग साइड, किसी गलत साइड को सपोर्ट करना। बैक टू स्क्वायर वन, स्क्वायर बनाते हैं तो हम वापिस वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था। टू बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, यानी आपने बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप वापिस के वापिस वहीं आ गए, तो कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है बैड ब्लड, बैड ब्लड खून से पता चल रहा है, खूनी दुश्मनी, पुरानी परिवारों की दुश्मनी। बैड हैट्स, हु इंटेंशनली क्रिएट्स ट्रबल, अब यहाँ पर हैट्स क्यों यूज हुआ है, हैट दिमाग के लिए यूज हुआ है। हु इंटेंशनली क्रिएट्स ट्रबल, जो जानबूझ के उसके दिमाग में, उसका दिमाग ही बुरा है जो बार बार वो ट्रबल क्रिएट कर जा रहा है। बैड माउथ,
बैड माउथ का मतलब है क्रिटिसाइज करना, जो बुराई बोले हर किसी को। बेकर्स डजन का मतलब है 13, 13 नंबर। कभी भी आपको 13 नंबर बोलना हो बेकर्स डजन बोलोगे। क्यों बोलोगे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टार्टिंग में पहले क्या होता था कि जब भी बेकर जो होता था बेकरी में कुछ भी चीज देता था तो 12 देता था, लेकिन उसको डर रहता था कि कहीं वजन कम ना हो जाए, और वजन कम हो जाए तो कोई फालतू में लोग झगड़ा वगैरह होगा, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा रखते थे पुराने टाइम में, इसलिए बेकर्स डजन 13। उसके बाद है बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। कहीं पर भी तूफान आया तो आई, आई का मतलब यहाँ पर है सेंटर के लिए कि आप ही, आप केंद्र आपके ऊपर ही हो रहा है। बी इन द आई, जो भी मुसीबत है वो सबसे ज्यादा आप ही सफर कर रहे हो। उसके बाद है बियर फ्रूट यानी सक्सेसफुल, ये हम सभी यूज करते हैं बियर फ्रूट, फल मिलना। बियर द ब्रंट, ब्रंट का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट्स। बियर द ब्रंट, ब्रंट का मतलब है एडवर्स इफेक्ट्स, और बियर का मतलब होता है सफर करना। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश, डिस्ग्रेस फ्रॉम द। नेक्स्ट है बी इन वंस बोनेट, बोनेट का मतलब क्या है, बोनेट की वही है टोपी, कैप। तो बी इन वंस बोनेट यानी कि किसी के टोपी का मतलब यहां पर दिमाग के लिए यूज होता है, कि किसी के दिमाग में कोई एक ही बात बार बार आ रही हो। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड का मतलब होता है पागल हो जाना किसी चीज के बारे में। एंड कीप थिंकिंग अबाउट, उसी के बारे में सोचते जा रहे हो आप। नेक्स्ट है बिहाइंड बार्स, बहुत कॉमन है ये तो, इन जेल, जेल के अंदर होना बार्स, क्योंकि बार्स के पीछे होता है आदमी जेल के। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स यानी दरवाजों के पीछे, सीक्रेट ही होगा कुछ। बिलो पावर, स्टार्टिंग में अपने हमने डिस्कस किया था लेवल के बिलो, पावर मतलब इक्वल। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड होना किसी के आगे यानी झुके रहना, यानी किसी की सेवा में होना, इन सर्विस टू समवन। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं इधर कुआं इधर खाई, दोनों तरफ ही कोई दो रॉन्ग चॉइसेस है हमारे पास, जिनमें से हम कोई भी चूज नहीं कर सकते। चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, दोनों में से कोई भी चूज करने लायक नहीं है लेकिन करनी पड़ेगी। बिग फिश, जो भी एक्वेरियम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंस किसे मिलती है, जो सबसे बड़ी मछली हो, तो कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पर्सन है तो उसके लिए बिग फिश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, जो पक्षी होते हैं उनका एक जनरल मतलब कि ऐसे सर से निगाह से देखते हैं वो, कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखते उड़ते टाइम, तो बर्ड्स आई व्यू। बर्ड ब्रेन स्टूपिड, क्योंकि बर्ड का एक कबूतर की, मैं आपको कहानी सी बता देता हूँ थोड़ी सी, जिसे आपको याद करने में आसानी होगा। कि कबूतर क्या करता है कि जब बिल्ली आ जाती है उसके सामने तो आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करने के बाद उसे क्या लगता है कि बिल्ली तो गई, तो अब उससे कोई डर नहीं है और वो निश्चिंत होकर बैठा रहता है और बिल्ली खा जाती है उसे, इसलिए बर्ड को स्टूपिड कहा गया, बर्ड ब्रेन। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ द सेम वेदर, पीपल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, सही है, जो ऐसे बर्ड्स जो सेम वेदर के में रहते हो, क्योंकि हर बर्ड अलग अलग वेदर में रहता है, किसी एक पर्टिकुलर वेदर में हमें एक पर्टिकुलर बर्ड्स दिखते हैं, तो पीपल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, वो जो सारी बर्ड्स हैं उनका सेम ही कैरेक्टर है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, हिंदी में क्या इसे कहते हैं हम, कि पैर उतनी फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। ट्राई टू डू समथिंग टू डिफिकल्ट, आपने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट काम चूज कर लिया जो आपके बस का ही नहीं है। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट, टू फेस द एडवर्स सिचुएशन, अब बुलेट आ रही है सामने से, बंदूक की गोली आ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन को फेस करना चाहते हो, तो क्या करोगे, बुलेट को ही खा जाओगे। बाइट द बुलेट टू फेस द एडवर्स सिचुएशन, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो लेकिन फिर भी आप उसे फेस कर रहे हो। बाइट द डस्ट, फेल हो जाना, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, धूल चटाना। नेक्स्ट है बाइट वंस लिप टू प्रिवेंट द रिएक्शन, ये कई बार हम करते हैं कि कुछ बोलने के बाद जीभ बाहर निकाल देते हैं, जीभ काटते हैं उस टाइम, क्या करते हैं कि हमने जो बोला वो गलत बोला, टू प्रिवेंट द रिएक्शन। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू, कोई किसी को बहुत ही बुरे तरीके से पिटा हो, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, लाल पीला हो गया इतना मारा उसे। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि जैसे ये व्हाइट कलर का पेज है और ब्लैक कलर की इंक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी हमें रिटर्न में दो कागज पे। नेक्स्ट है ब्लैक शीप, डिसरेप्यूटेबल पर्सन, जिसकी कोई खास रेप्यूटेशन ना हो।
नेक्स्ट है हमारा ब्लेजर ट्रेल, कोई ऐसा नया काम स्टार्ट करना जिसे बाद में सारे लोग फॉलो करने लग जाए। इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, मी टू मूवमेंट, जो बॉलीवुड में किसने स्टार्ट किया था, तनुश्री दत्ता ने, और सभी उसको फॉलो करने लग गए थे। कोई भी वर्क प्लेस पे कोई वुमेन के साथ होता था, कोई मिसट्रीट करता था, तो वो मी टू मूवमेंट स्टार्ट कर देती थी। ब्लेजर ट्रेल, कोई ऐसा इंसान जो कुछ नया स्टार्ट करे और सभी लोग उसको फॉलो करें। टू स्टार्ट अ न्यू पाथ विच इज फॉलोड बाय मेनी। नेक्स्ट है ब्लाइंड टू, अनजान किसी चीज से नजरअंदाज कर देना। ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, इन अ सेकेंड, तुरंत। तुरंत का हमने एक और भी याद किया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्या था, पल भर में, सेकेंड के लिए, तुरंत के लिए। नेक्स्ट है ब्लो बाय ब्लो, टू एक्सप्लेन इन डिटेल, कि कोई आके आपको पूरी कहानी डिटेल में बता रहे कि उसने उसको ऐसे मुक्का मारा, उसने उसको ऐसे मुक्का मारा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसे हम कहेंगे ब्लो एंड ब्लो। ही एक्सप्लेन द स्टोरी ब्लो बाय ब्लो, एक एक करके सब कुछ बताया उसने। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म है कभी ठंड है। चेंज ऑफ थॉट्स इंस्टेंटली, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो तुरंत बदल रहे हैं, कभी गर्म कभी ठंडा, एडवर्स जो दो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में आ रहे हैं, कभी आप कुछ सोच रहे हो कभी कुछ सोच रहे हो, तो आप कहेंगे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ये जो भी इडियम्स हैं आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, कोई भी साधारण से साधारण बात बोलने के लिए अगर आप इडियम्स यूज करते हो तो उससे आपकी लैंग्वेज पे कमांड दिखती है कि इसको है लैंग्वेज की कमांड। ब्लो ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना, अपने मियां मिठू बनना। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड रॉयल, ये बहुत कॉमन है, ब्लू ब्लड, नेवी ब्लू जो कलर होता है वो उसे भी रॉयल ही कहते हैं। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड, सबको अट्रैक्ट करता है वो, फेवरेट इंसान। तो ये idiom में यूज हुआ है कि अगर जैसे टीचर का कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जो फेवरेट होता है, तो उससे हम कह सकते हैं ही इज द फेवरेट, ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ दैट टीचर। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट क्या होता है, बोल्ट हमें पता होता है, हम पता कर सकते हैं कि ये idiom क्या होगी, मतलब क्या होगा इसका। बोल्ट का मतलब होता है बिजली कड़कना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू यानी आसमान, स्काई के लिए यूज हुआ है। तो एकदम से आसमान से, स्काई से बिजली चमकना, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ भी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आप यूज कर सकते हो कि दैट वॉज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोन ऑफ कंटेंशन, ये वैसा ही हो गया बोन टू पिक यहाँ पे, लेकिन होता है कंटेंशन का मतलब होता है फाइट, तो फाइट का कारण क्या है, बोन, बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई का कारण पता चलता है इसमें। और वो जो था बोन टू पिक विद यू, तो उसमें हम डिसाइड करते हैं बैठ के कि क्या करना चाहिए, कौन पिक करेगा इसको। नेक्स्ट है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, ऐसा बच्चा जिसके पैदा होते ही उसके मुंह में चांदी की चम्मच डाल के उसे कुछ खिलाया जाए, तो कोई इतना अमीर होगा, बोर्न रिच, जो पैदा ही अमीर हुआ है। नेक्स्ट है बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड्स मीट का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो मुश्किल से गुजारा कर पाए, अर्न इनफ टू मेक अ वेलिंग, इसको हम कैसे यूज करेंगे, ही इज एबल टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, या फिर ही इज नॉट एबल टू, अगर नहीं कर पा रहे तो। ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी, समथिंग दैट अफेक्ट पीपल डायरेक्टली, रोजी रोटी, सब हर कोई इसी के लिए काम कर रहा है, ब्रेड एंड बटर के लिए। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस कब यूज करते हैं, कि जब कोई दो जन हो या फिर किसी पार्टी में हो, सभी चुपचाप बैठे हैं, किसी के पास कोई बात करने को नहीं है, और वो एक बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनी हुई है, तब पहल करके कुछ बोलना और सभी को कंफर्टेबल करना, तब हम यूज करते हैं ब्रेक द आइस, स्टार्ट द कन्वर्सेशन टू मेक everyone comfortable। next है bring someone to book, यहाँ पर book का क्या मतलब है, constitution, तो constitution के हिसाब से जो हमारे rules बने हैं उसके हिसाब से किसी को punishment देना, bring someone to book। next है bring to light, बहुत simple है ये तो, bring to notice, bring to light। next है build castles in the air, air यहाँ पे use हुआ sky के लिए, तो sky में बादल को देख के हम सोचते हैं कि ये कैसल बन रहा है, ये वो महल बन रहा है, ये कुछ बन रहा है, ये कुछ बन रहा है, तो कुछ मतलब नहीं है उसका, इम्पॉसिबल ड्रीम्स हम बना ले जबकि कुछ है ही नहीं ऐसा, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स। नेक्स्ट है बुल इन अ चाइना शॉप, केयरलेस इन वे ऑफ मूविंग, चाइना शॉप यहाँ पे इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि जो चीनी मिट्टी का सामान होता है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है और उसको टूटने का डर रहता है, और ऐसी जगह पे बुल आ जाए
और जहाँ पे लोग हर कोई संभल संभल के चल रहा है और बुल जो है वो तो अपनी मर्जी से चलेगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या सिचुएशन है, कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको चलना है, वो अपने केयरलेसली तरीके से चल रहा है, तो उससे हम कह सकते हैं यू आर लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट में है बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। मोमबत्ती है उसे ऊपर से भी जला दिया और नीचे से भी जला दिया। वर्क टिल लेट, मतलब दोगुना काम करवाया उससे और हम भी दोगुना काम करेंगे, तो वर्क टिल लेट। नेक्स्ट है बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी रात भर तेल जलाया लालटेन के लिए या फिर दिए के लिए, पुराने टाइम की इडियम है क्योंकि ये बर्न द मिड नाइट ऑयल, वर्क हार्ड टिल लेट नाइट। बरी द हैचेट, अब हैचेट क्या होता हैचेट कोई वेपन है कुल्हाड़ी वगैरह की तरह, बरी करो से तो क्या होगा, फगेट द ओल्ड एनिमिटी, यानी उसे फेंक दो, दफना दो, बरी करो। नेक्स्ट है बाय द बुक फॉलोइंग द नॉर्म्स, यहाँ पे बुक फिर से आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बाय द बुक। नेक्स्ट है बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसीजन इज अप टू यू। कोई हम गेम खेल रहे हैं उसमें टेनिस, मान लो कि टेनिस खेल रहे हैं उसमें बॉल सामने वाले के पास चली जाए, तो अब उसकी मर्जी है कि उसको आगे गेम कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि बॉल अब उसके हाथ में है, वही फेंकने वाला है। तो उसी तरह अब हम कह सकते हैं अगर कोई भी डिस्कशन चल रही है उसमें कह देते हैं नाउ डिसीजन इज अप टू यू, तो उसकी जगह हम अगर कहेंगे नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना, जो खुली किताब है जो भी आ रहा है पढ़ रहा है, यानी ओपन है वो आदमी, हर कोई जानते कि ये इस सिचुएशन में क्या करेगा, ये कैसा आदमी है, कैसा इंसान है। बीट अ डेड हॉर्स, जो पहले ही मर चुका है उसे आप मार रहे हो, क्या कर रहे हो आप, अपनी वेस्ट एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हुआ, कंफर्ट जोन, इससे ज्यादा कंफर्ट क्या होगा, रोजेज का बेड है। उससे नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, बोथ वर्ल्ड कौन से, एक अच्छा एक बुरा, कोई स्वर्ग या नर्क कह सकते हो आप, उन दोनों के भी आपको फायदे मिल रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशन, दो डिफरेंट सिचुएशन हैं जो दूसरे के विपरीत हैं, आपको उन दोनों से फायदा मिल रहा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। ये वापिस वही आएगा, स्टक इन टू डेंजर्स जो हमने पहले की थी, बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब ब्रेक प्रिशियंस हेड, अब ये कौन है, क्या है, कभी सुना नहीं होगा किसी ने, तो ये कौन था, एक ग्रामर का टीचर था। तो अब जैसे कि हम कोई साइंटिफिक मिस्टेक करते हैं तो हम कह देते हैं क्यों आइंस्टाइन को मारने पे तुला है, या तू क्यों ये तो आइंस्टाइन का दुश्मन है, हर बात उल्टी करता है साइंस के। तो अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करे बार बार तो आप उसे यूं कह सकते हो कि क्यों उसका सिर तोड़ रहा है, ब्रेक प्रिशियंस हेड, वाई आर यू ब्रेकिंग द प्रिशियंस हेड अगेन एंड अगेन। बी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारे हैं सी पर। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, स्पेड को स्पेड ही बोल रहे हैं, टू टेल द ट्रूथ क्लियरली, साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कॉल का मतलब है मंगवा रहे हो शॉट्स, तो डोमिनेट कर रहे हो आप उसको कि जा मेरे लिए ये ला, जा मेरे लिए वो ला। कैपिटल पनिशमेंट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, पनिशमेंट ऑफ डेथ, किसे मार दिया जाए। नेक्स्ट है कैरेट एंड द स्टिक, अब कैरेट तो इनाम हो गया और स्टिक हो गई सजा, तो यानी किसी भी बच्चे को जैसे आप पाल रहे हो तो आप कैसे पालते हो उसे, कैरेट एंड स्टिक, कोई वो सही काम करता है तो आप उसे कैरेट देते हो यानी कोई इनाम देते हो या तारीफ करते हो, और यही अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है तो आप उसे स्टिक भी दिखाते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों के तरीके से। आई हैव रेज्ड माय चाइल्ड विद कैरेट एंड स्टिक, काव आउट अ नीश, अब ये क्या होता है, ना कभी सुना है ना कभी देखा है, इसका मतलब होता है कि कोई जगह बनाना, कोई पोजीशन बनाना, क्या मतलब है इसका, टू एस्टेब्लिश अ यूनिक रोल। आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हो, किसी क्लास में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है या नहीं है, काव आउट अ नीश। नेक्स्ट है कास्ट एस्पर्शन, एस्पर्शन का मतलब ही होता है हेट्रेड, कास्ट एस्पर्शन अ डिस्पैरेजिंग रिमार्क। अब यहाँ पे देखो फिर से पार वर्ड आ गया, हम वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं इसके साथ साथ, पार का मतलब होता है इक्वल, डिस्पैरेजिंग यानी इक्वल नहीं हो, उसको नीचा दिखाने के लिए, तो उसको नीचा दिखाने के लिए कोई रिमार्क, तो कास्ट एस्पर्शन। नेक्स्ट है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ये हमने बहुत सुना है हिंदी में। अब कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, पर्ल्स यानी मोती, स्वाइन यानी सुअर, अब सुअर के आगे अगर मोती देखोगे तो उसकी क्या तारीफ करेगा, उसके आगे क्या वैल्यू है इसकी,
ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पीपल हु डोंट अप्रिशिएट. वो कैसे अप्रिशिएट करेगा इसको? ये वैसे ही होता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, उसके आगे कितनी अच्छी बीन बजा लो आप, भैंस को क्या फर्क पड़ेगा. नेक्स्ट है कैसल्स इन द एयर, ये पहले आ चुका है. इम्पॉसिबल ड्रीम्स, कैट अमंग द पिजन्स, ये स्टोरी भी हमने डिस्कस की थी कि अगर पिजन बैठे हैं उसमें अगर कैट आ जाए तो उन पिजन्स के लिए क्या एक खतरा हो जाएगा, रीजन ऑफ थ्रेट बन जाएगी कैट. नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ, हमेशा झगड़े में रहेंगे. तो ये हम किसी कपल के यूज कर सकते हैं कि दे हैव अ कैट एंड डॉग लाइफ, लाइफ विद फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट, पूरी जिंदगी उनकी कैट एंड डॉग की तरह ही जाएगी. नेक्स्ट है कैच और टार्टर, डील विद अ स्ट्रॉन्ग एनिमी. कैच रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथ पकड़ा जाए कोई. कैच अ पर्सन डूइंग रॉन्ग, उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. कैच 22, अ प्रॉब्लम विद नो एस्केप. ये कैच 22 कहाँ से आया, इसका तो कुछ भी मतलब नहीं बन रहा. तो कैच 22 एक नॉवल थी जो वर्ल्ड वॉर पे बनी है, वहां से ये यूज हुआ है, लेकिन ये याद नहीं होता आसानी से. तो इसका क्या था, एक एग्जांपल मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें आलिया भट्ट अपने इंटरव्यू में उसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने इस बार वोट नहीं किया, तो क्योंकि आलिया भट्ट के पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की, तो वो कहती है वेल इट्स अ कैच 22 आई कुडंट वोट. यानी कि अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे का कोई सोल्यूशन नहीं है, जिससे बचा नहीं जा सकता. अब मैं सिटीजनशिप हुई है ही नहीं मेरे पास इंडिया की, तो मैं अब कैसे वोट कर सकती हूँ. इट्स अ कैच 22, एक प्रॉब्लम है जिससे बाहर नहीं निकल सकते. बस यही एक तरीका है जिससे मुझे याद हुआ, बाकी आप देख लीजिए. चेंज कलर्स, यानी नर्वस हो जाना. अब इसका मतलब हम क्या समझेंगे, रंग उड़ जाना किसी का, हिंदी में अगर कहना चाहें तो. उसका तो रंग ही उड़ गया, नर्वस हो गया वो इतना ज्यादा. चेज रेनबोज, यानी रेनबोज को पकड़ने जा रहा है. ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल. नेक्स्ट है च्यू द कर्ड. कर्ड क्या होता है, जो गाय भैंस होते हैं जो चारा होता है उनका, उसे कहते हैं कर्ड. जब वो चबा रही होती है तो वो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करती, बैठ के उनका ना सिर हिल रहा होता ना कुछ और, बस मुंह हिल रहा होता है जब वो चबा रही होती है. तो और उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही गहरी सोच में है, इन डीप थॉट. च्यू द कर्ड. नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्लेज, ऑब्वियसली इजी. अलग है क्लास एक्ट, यानी आइडियल. क्लास में हमारा एक्ट कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, बिल्कुल आइडियल होना चाहिए. क्लीन हैंड्स, इसका है निर्दोष, यहाँ पर क्लीन आएगा, क्लीन हैंड्स, निर्दोष. नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स, यानी किसी भी बर्ड, अब इसका किस सिचुएशन से लिया हुआ है, किस डेली लाइफ से लिया हुआ है, किसी बर्ड के जो पंख हैं उनको क्लिप लगा दिया आपने. क्या किया, उसकी जो फ्रीडम थी उड़ने की वो आपने रोक दिया, वो उड़ नहीं सकता, इधर उधर ही घूमेगा. तो किसी के भी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने. नाइन क्लाउड, क्लाउड नाइन यानी सातवें आसमान पर. एक्सट्रीमली हैप्पी, कोई बहुत ही ज्यादा खुश है. कम क्लीन, वापिस से वही हो गया, निर्दोष होना, क्लीन हैंड्स. लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कंफ्यूजन होता है सभी को. इसका मीनिंग क्या है, टू एक्सेप्ट द मिस्टेक. अगर आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपके सारे पाप धुल जाते हैं. इसका मतलब ये है कम क्लीन, हाउ कैन यू कम क्लीन, बाय एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक. और वो क्लीन हैंड क्या था, कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें. नेक्स्ट है कम फुल सर्कल, रिटर्न टू अ पास्ट पोजिशन. सर्कल में भी यही होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वापस वहीं आ जाते हो. मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, कुछ मैंने काम किया, अच्छी इनकम हुई मेरी, लेकिन वापस मैं गरीब हो गया, तो वापस कम फुल सर्कल, वापस मैं वहीं का वहीं आ गया. नेक्स्ट है कम टू अ स्टैंड स्टिल, अ कंडीशन इन विच ऑल एक्टिविटी हैज स्टॉप्ड. जैसा कि अभी है पूरा का पूरा देश रुका हुआ है, तो आप कह सकते हो द होल नेशन और द होल अर्थ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा. नेक्स्ट है कुक द बुक्स, अब बुक्स हैं उनको कुक कर रहे हो आप. इसका क्या मतलब होगा, कि आप उसमें कुछ एडिशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. चेंज द फैक्ट्स इलीगली, कोई अकाउंट है या फिर कोई भी बिजनेस का काम है जिसमें आप कुछ एडिटिंग कर रहे हो इलीगली. कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर हम सभी को पता है ठंडा होता है, और कूल एज अ उसकी तरह कूल, ठंडा, काम. काउच पोटैटो, काउच पोटैटो हम किसे कहेंगे, कि कोई भी आलसी इंसान जो बस टीवी के सामने बैठा रहता है और टीवी देखता रहता है. काउच का मतलब होता है सोफा, सोफे पे कोई आलू जैसा आदमी बैठा है, इतना आलसी हो गया है, जो मोटा हो गया है. लेजी पर्सन हु स्पेंड्स ऑल टाइम इन वॉचिंग टीवी. नेक्स्ट है क्रैक ऑफ डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज उग रहा होता है. डस्क होता है जब सूरज ढल रहा होता है, तो क्रैक ऑफ डाउन यानी अर्ली मॉर्निंग. आई वेक अप इन द क्रैक ऑफ डॉन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. क्रोकोडाइल टीयर्स,
मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ का क्या सीन है कि जब भी वो किसी भी जानवर को, किसी भी मछली को खा रहा होता है तो उसकी आंख में आंसू आते हैं, अपने आप ही आते हैं वो। लेकिन उसे देखने पर क्या लगता है कि वो रो रहा है, उसे सहानुभूति हो रही है, उसे दुख हो रहा है। अब जैसे प्याज काटने पर हमारी आंखों में आंसू आते हैं, मगरमच्छ जब भी कुछ खाता है तो उसकी आंख से पानी निकलता है और देखने वाले को लगता है कि इसे दुख हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टू शोक फेक सिंपथी। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। दूध ढुल गया और आप उस पर रो रहे हो। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अब काम खराब हो ही गया तो उस पर रोने से क्या फायदा? रिग्रेट फॉर व्हाट हैज हैपेंड। नेक्स्ट है क्राई वुल्फ। वुल्फ क्या है ये? क्राई वुल्फ, इसकी भी एक स्टोरी है। शेर आया, शेर आया। जब एक बच्चा भेड़िए चराने जाता था, भेड़ चराने जाता था, और वहां पर उस वो झूठी कहानी बता देता था लोगों को कि शेर आया, शेर आया। सभी बचाने आते थे उसके, और वो हंसता था उनके ऊपर कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। और यानी कि वो टू रेज अ फॉल्स अलार्म, झूठा ही सबको बुलाता था कि शेर आया, शेर आया। वैसे ही है क्राई वॉल्फ की, वॉल्फ के लिए बुला रहा है अब वो। नेक्स्ट है कुकू इन द नेस्ट। कोयल, सभी को पता है कि कोयल खुद का घोंसला कभी नहीं बनाती, वो दूसरे जो कौवे होते हैं उनके घोंसलों में जाती है और वहां पे अंडे दे देती है अपने, और कौवे को लगता है कि उसी के अंडे हैं। एन अनवेलकम गेस्ट, जिसे बुलाया ही नहीं आपने, कोयल को कहाँ बुलाया उसने, लेकिन वो खुद ही आ गई। करी फेवर, किसी की चापलूसी करना, किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो बिना मतलब, तो क्या है? बिना मतलब नहीं, मतलब से चापलूसी कर रहे हो आप उसकी। कर्टेन लेक्चर, जब भी कोई वाइफ है वो डांटेगी तो वो सबके सामने तो डांटेगी नहीं, वो कब डांटती है? घर में अकेले में डांटती है, कर्टेन के पीछे, पर्दों के पीछे डांटती है। जो पर्दों के पीछे लेक्चर दे, अ स्कोल्डिंग बाय वाइफ। जब भी कोई पत्नी पति को डांटे तो उसे कहेंगे अ कर्टेन लेक्चर। कट अ रग। रग क्या होता है? जो कारपेट होता है उसको। तो आप इतने पागलों के तरीके से डांस कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि आज तो ये जो कारपेट है ये फटेगा ही फटेगा। कट अ रग, टूडे आई एम गोइंग टू डांस सो बैडली दैट आई एम गोइंग टू कट अ रग। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। जब भी हम कोई पेपर वगैरह काटते हैं तो सबसे मुश्किल क्या होता है? उसके कॉर्नर्स को काटना। कट कॉर्नर्स डन इन हरी विदाउट परफेक्शन। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसके कॉर्नर्स को भी काट रहे हो, तो बिना परफेक्शन तो ही नहीं इसमें, आप फर्स्ट फटाफट फॉर द सेक ऑफ काम कर रहे हो, तो कट कॉर्नर्स हो गया, कॉर्नर्स भी काट रहे हो आप। नेक्स्ट है कट द गॉर्डियन नॉट। इसकी भी एक स्टोरी है एलेक्जेंडर से रिलेटेड। गॉर्डियस थे कोई भगवान, उन्होंने एक कोई गांठ बनाई हुई थी और कहा था कि जो भी इस गांठ को सुलझा पाएगा, खोल पाएगा, वही पूरी दुनिया पे राज करेगा। एलेक्जेंडर आता है, वो बहुत कोशिश करता है खोलने की लेकिन नहीं खोल पाता। लास्ट में वो क्या करता है कि अपनी तलवार लेकर उस नोट को, नोट यानी गांठ, उस गांठ को काट ही देता है अपनी तलवार से, और तभी कोई बिजलियां वगैरह चमकने लग जाती है और सभी को पता चल जाता है कि यही सब पे राज करेगा, और वो 32 साल की उम्र में इजिप्ट और एशिया पे राज भी कर लेता है अलेक्जेंडर। कट द गॉर्डियन नॉट टू डू अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल टास्क। चिकन हार्टेड, चिकन कैसा होता है? डरपोक होता है, भागता रहता है, कोई उसे पकड़ नहीं पाता, उसके पीछे भागो तो वो कहीं और भागता रहेगा। चिंक इन वंस आर्मर। आर्मर क्या होता है? कोई कवच वगैरह आपने पहना है, चिंक, और उसमें कोई गलती हो जाए, छेद हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, अ स्पेशल वीकनेस, तो वो आपकी वीकनेस बन जाएगी। नेक्स्ट है क्रॉस वंस फिंगर। क्रॉस करना कि हम किसी के लिए वेट कर रहे हैं एक्साइटेडली कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा किसी मैच के ड्यूरिंग, कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो क्रॉस वंस फिंगर बहुत ईजी है। क्राई फॉर द मून। इसकी स्टोरी ऐसी है कि कोई बच्चा है, रामायण में आपने देखा होगा कि उसमें भी सीन दिखाया था कि राम भगवान है, वो जब छोटे थे तो रो रहे थे कि मुझे ये मून चाहिए, इसके साथ खेलूंगा मैं ऊपर देख के। अब उसे मून तो दे नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि कटोरा आगे रख देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, उस पानी में वो रिफ्लेक्शन देखता है मून की, और राम को लगता है कि ये बस मून आ ही गया इस कटोरे में, एंड ही प्लेज विद दैट। क्राई फॉर द मून एन इम्पॉसिबल डिमांड। अब मून तो लाकर दे नहीं सकते आपको, तो इम्पॉसिबल डिमांड हो गया। सी भी हमारा पूरा हो गया। अब है डी, डेमोकल्स स्वॉर्ड। डेमोकल्स स्वॉर्ड में क्या है कि इसकी भी एक ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है ये। डेमोकल्स, डेमोकल्स क्या होता है कि एक राजा के पास जाता है और उसकी खूब तारीफ करते हैं कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, लेकिन राजा को ये दुख होता है कि ये मेरी तारीफ तो करे जा रहे, लेकिन इसको ये तो पता ही नहीं कि मैं कितनी मुसीबत और कितनी टेंशन से भी रहता हूँ। तो ये इसको कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे राज पे बैठो।
उसके राजगद्दी पे बिठा देता है उसे, लेकिन वो क्या करता है कि उसके ऊपर, सिर के बिल्कुल ऊपर एक तलवार रख देता है, और उस तलवार को कैसे टांगता है, एक बाल से, लंबे बाल से टांग देता है उसको, और उसको नीचे उठा देता है। तो अब क्या होता है कि उसको कॉन्स्टेंट फियर लगा रहता है कि ये जो तलवार है ये उसके सिर पे कभी भी गिर सकती है और कभी भी वो मर सकते हैं, क्योंकि बाल क्या है, धागा सही तो है पतला सा, कभी भी टूट जाए वो और सिर पे उसके तलवार गिर जाए। तो डेमोकोस स्वॉर्ड है अ कॉन्स्टेंट डेंजर, सिर पर लटकती तलवार, उसके सिर पर तलवार लटक रही है और इमिनेंट डेंजर है, कभी भी वो मर सकता है, कॉन्स्टेंट डेंजर लगा रहेगा उससे। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा इंसान जिसे जीतने की उम्मीद बिल्कुल भी ना हो लेकिन वही जीत जाए। अ विनर हु वॉज कंसिडर्ड वेरी वीक, बहुत ही कमजोर समझा गया था उसे लेकिन वही जीत जाता है। नेक्स्ट है डेड लेटर, कोई लेटर है जिसमें कुछ मतलब कि दम ही नहीं है, नो इफेक्ट, उसे पढ़कर कुछ मतलब इफेक्ट ही नहीं हुआ उससे। डेविल्स एडवोकेट, यानी डेविल मतलब बुरा, उस बुरे का एडवोकेट यानी सपोर्ट करना, उसके लिए लड़ना। हु सपोर्ट्स द रोंग, कोई अगर गलत के लिए, कोई गलत पक्ष के लिए बोल रहे तो आप उसे कह देते हो यू आर डेविल्स एडवोकेट। डाई इन हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, काम करना। डाई इन हार्नेस से क्या मतलब हुआ, कोई काम करते करते ही मर जाए, कोई ड्यूटी करते करते ही मर जाए अपनी, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जो लेक्चर डिलीवर करते करते ही मर गए थे, डाई वाइल परफॉर्मिंग। नेक्स्ट है डाई इज कास्ट, यानी डाई मतलब ये लूडो वाला डाइस, डाइस चल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता जब चल दिया तो। द डाई इज कास्ट, अ कोर्स ऑफ एक्शन हैज बिन फाइनलाइज्ड, या फिर इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, तीर कमान से निकल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, द डाई हैज बिन कास्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसे। डॉग इन द मैंगर, ये इंटरेस्टिंग है, डॉग इन द मैंगर, मैंगर का क्या मतलब होता है कि गाय है वो चारा खाती है, उसके लिए वो जो बॉक्स या टब सा आप जिसे कह सकते हैं, जो गाय जिसमें खा रही है उसके अंदर डॉग आके बैठ जाए, और वो डॉग है उसके अंदर बैठा है, उसे खुद तो उसे कुछ फायदा हो नहीं रहा, क्या मतलब है उसको उसमें उसके अंदर बैठने का, लेकिन जो गाय है वो भी नहीं खा पा रही कुछ, दूसरे की मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला, तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, कबाब में हड्डी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉग इन द मैंगर। अब नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ, यानी मुंह लटका हुआ, सैड। डाउन टू अर्थ बहुत कॉमन है, हम्बल हो, डिसेंट हो, कोई बहुत अच्छे से बात करता हो, इवन दो ही इज वेरी ग्रेट। ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश क्या है, पानी पीती रहती है, कितना पीती है कोई काउंट थोड़ी है, तो ये कोई एल्कोहल पीता हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश हु ड्रिंक्स हैवीली। नेक्स्ट है ड्रॉप लाइक फ्लाइज, जो मक्खियों की तरह मरे, जब कुछ ऑल आउट वगैरह जला देते हैं या फिर कोई भी हम मॉस्किटो रिपेलेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एकदम से फटाफट फटाफट मरते हैं वो, और अभी कोरोना वायरस की वजह से भी यही हो रहा है, लोग, पीपल आर डाइंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, डाई इन ह्यूज नंबर्स। नेक्स्ट है ड्रॉप नेम्स, बड़े बड़े नाम लेना, मेंशन द नेम ऑफ फेमस पीपल टू इम्प्रेस। नेक्स्ट है डच करेज, बोल्डनेस इंड्यूस्ड बाय ड्रिंकिंग, कोई शराब वगैरह करके आप में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ रही है, नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे हम इसे। ईगल्स आईज, ईगल क्या, ईगल की क्या सीन है कि वो बहुत ही, कितनी भी हाइट पे हो, कितनी भी दूर पे बैठा हो, लेकिन वो क्या है, बहुत ही बारीकी से देखता है, और कोई अगर कीड़ा वगैरह भी चल रहा हो तो वो उसकी उसकी नजर उस पर भी रहती है, पे क्लोज अटेंशन, बहुत ध्यान से देखता है वो। बर्ड्स व्यू था, वो सरसरी निगाह से देखता है, लेकिन जो ईगल है वो बड़ी ध्यान से देखता है। ईट लाइक अ हॉर्स, यानी खूब खाना, ईट एक्सेसिवली, एग्जैक्टली द वे हॉर्स डज। एल्बो रूम, इतनी जगह होना कि आप अपनी एल्बो तो ढंग से घुमा सको, इनफ स्पेस टू मूव फ्रीली। 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एंड समय पे, बिल्कुल लास्ट में। एंड इन अ फियास्को, फियास्को का मतलब ही होता है फेल होना, तो एंड इन अ फेलियर, फेल। एंड इन स्मोक, स्मोक का एंड कैसे होता है, बिल्कुल धुआं होता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। फेल विदाउट एनी इफेक्ट, फेल हुआ लेकिन कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ा। इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग क्या होता है, जब पूरा दिन एंड होने वाला होता है, लाइफ की इवनिंग कब होगी, ओल्ड एज में। नेक्स्ट है एवरी इंच अ जेंटलमैन, हर बात में जेंटलमैन हो, छोटी से छोटी बात देखें तो जेंटलमैन है। आई ओपनर, आंखें खुल जाना, थिंग दैट अमेजेस। आई वॉश, इसको हिंदी में कहेंगे आंखों में धूल झोंकना, चीट करना। एफ है फेस वैल्यू, टू एक्सेप्ट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, उसको फेस वैल्यू क्या है, दिखने में कैसा है वो।
फेयर वेदर फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके सुख के समय में ही हो और जैसे ही दुख आए तो वो आपको जाने ही ना, पहचानने से मना कर दे, लेकिन जब आप खुश हो तो वो आपके साथ आएगा खुश होने के लिए। फेयर वेदर फ्रेंड, जब आपका मौसम अच्छा चल रहा है, जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, तभी का फ्रेंड। फॉल फ्रॉम ग्रेस यानी नजरों से गिर जाना, टू लूज रिस्पेक्ट। फेदर इन वंस कैप, अचीवमेंट टू फील प्राउड ऑफ, इसको आप कर सकते हो कि मुकुट की तरह। पुराने टाइम में क्या होता था कि हर किसी का एक मुकुट होता था, कोई मंत्री है, कोई राजा है, और उसकी पोजीशन के हिसाब से ही वो होता था मुकुट। तो उसका आप कह सकते हो कि फेदर इन वंस कैप, उसकी जो कैप है उसमें कैसा फेदर है, उससे उसका स्टेटस पता चलता था, उसके अचीवमेंट्स पता चलते थे। नेक्स्ट है फेदर वंस ओन नेस्ट, यानी खुद का जो घोंसला है उसी में आप फेदर करे जा रहे हो, फेदर डाले जा रहे हो, यानी उसी का भला करे जा रहे हो। तो आप सेल्फिश हो, खुद के बारे में आप सोचे जा रहे हो। फील वंस पल्स, किसी की रगों को जानना, किसी के दिमाग को जानना। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मूड, किसी के बारे में जानना कि वो किस मूड में है, कैसा है। फाइट टू द बिटर एंड यानी लास्ट मोमेंट तक लड़ाई चालू रखना। ट्राई टिल द लास्ट मोमेंट। फिश इन ट्रबल्ड वॉटर्स, जब पानी ट्रबल्ड होगा, दिक्कत होगी, तब मछलियां क्या है ऊपर आ जाएंगे सारी, और उस टाइम पे आप जब फिशिंग के लिए जाओगे तो आप आसानी से फिशिंग कर पाओगे। तो गेन एडवांटेज इन द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, कोई सुनामी आने वाली है, कुछ दिक्कत है, लेकिन उस टाइम पे भी आप एडवांटेज गेन कर रहे हो। फिश आउट ऑफ वाटर, जल बिन मछली, जब मछली पानी से बाहर होगी तो क्या होगी, अनकंफर्टेबल होगी, प्रॉब्लम में होगी। फिट एज अ फिडल यानी कंप्लीटली फिट, फिडल क्या है, एक इंसेक्ट है जो उछलता रहता है, हमेशा फिट रहता है। फ्लाई या फिर गो ऑफ अ टेंजेंट टू चेंज द टॉपिक, गो ऑफ से पता चल रहा है कि किसी चीज से अगेंस्ट जा रहे हो आप, डिस्ग्रेस हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। फॉर्म एट द माउथ यानी मुंह सुजाया हुआ, अपसेट है, नाराज है। फॉलो वंस नोज, नाक की सीध में चलना, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का क्या मतलब होता है, स्वर्ग, कोई मूर्ख आदमी का स्वर्ग, कि कोई बैठा है वो यूं ही खुश हो जा रहा है, जबकि कोई खुशी का कोई बहुत सारे मान लो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, असाइनमेंट्स आ रहे हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ रहे हैं, लेकिन आप उसे छोड़कर कोई गेम में या फिर टीवी देखने में आप खुद को खुशी कर रहे हो। या फिर वैसा कर सकते हैं, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कबूतर का, जो हमने स्टोरी डिस्कस की थी कि कबूतर होता है और बिल्ली आती है, वो आंख बंद करके खुश हो जाता है कि बिल्ली तो गई, जबकि ऐसा नहीं है। तो फूल्स पैराडाइज, बींग हैप्पी इग्नोरिंग द ट्रबल। 40 विंग्स, विंग्स का मतलब ही होता है झपकी लेना, आंख मारना, तो 40 विंग्स यानी झपकी लेना। अब जी लेटर पे आ जाते हैं हम, गेट क्रैशर, अटेंड विदाउट इनविटेशन। आप गेट क्रैश कर रहे हो यानी गेट तोड़ के अंदर आ रहे हो, तोड़ के नहीं आते मतलब बिना इनविटेशन के आ रहे हो। आप कोई भी शादी वगैरह है और आप तैयार होकर जा रहे हो, इवन दो यू आर नॉट इन्वाइटेड। गैदर रोजेज ओनली, रोजेज क्या है, कम्फर्ट के लिए यूज किया था पिछली बार, यहाँ भी उसी के लिए यूज हुआ है। टू सीक ऑल एंजॉयमेंट। गेट इन टू हॉट वाटर, जब कोल्ड वाटर में आप जाओगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में आप चले जाते हो तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, यानी गेट इन टू ट्रबल। नेक्स्ट है गेट ऑन वंस नर्व यानी नाक में दम कर देना, टू इरिटेट। इससे अगला है गेट वंस वॉकिंग पेपर, वॉकिंग पेपर यानी रेस्टिकेट कर दिया, आप निकलो यहां से, टू रेस्टिकेट। गिफ्ट ऑफ द गैब, अब गैब क्या होता है, गैब का मतलब होता है बोलना, बोलने की कला, गिफ्ट मिला हुआ है उसे। तो एबिलिटी टू स्पीक एफिशिएंटली, तो उसे हम कहेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। उससे नेक्स्ट है गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई का मतलब होगा इसका, कि गिव इट अ शॉट, शॉट को एक बार गिव इट अ शॉट, ट्राई तो करो आप। गिव द डेविल हिज ड्यू यानी कि आपका कोई दुश्मन है उसकी भी आप तारीफ कर रहे हो, टू प्रेज इवन द एनिमी। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट से पता चल रहा है मर गया, डाई, ही गेव अप द घोस्ट मतलब हुआ ही डाइड। गो फॉर द जुगुलर, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ गला, अब ये गला पकड़ना, क्यों, क्योंकि गला पकड़ते ही वो मर जाएगा। टू क्रिटिसाइज ऑन समवन्स वीक पॉइंट, इसका हिंदी में क्या कहेंगे हम, दुखती नस पे हाथ रखना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो वो idiom तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। गो हैंड इन हैंड यानी साथ साथ चलना, टूगेदर साइमल्टेनियसली। गुड समर रिटर्न, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जो
जीसस क्रिस्ट ने सुनाई थी। क्या था उस स्टोरी में कि ये जो समरिटन है यानी ये समेरिया जगह के लोग हैं और जो ज्यूज हैं, तो उसमें क्या होता है स्टोरी में कि एक ज्यू होता है जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है और एक समेरिया का इंसान जिसे समेरिटन बोलेंगे, तो वो समेरिटन आके उसकी हेल्प करता है बिना, जबकि ज्यूज और समेरिया में हमेशा से लड़ाई रही है, फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। तो अब इसको क्या कहेंगे, गुड समेरिटन यानी हेल्पफुल पर्सन। इस पे लॉज भी बने होते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है और कोई मरे हुए या जख्मी हालत में पड़ा है और आप वॉलेंटरली जाके उसकी मदद करते हो, लेकिन मदद करने की बजाय आप उसे नुकसान पहुंचा देते हो, तो उसमें आपको क्या सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो उसके लिए अलग से एक्ट होता है गुड समेरिटन। ग्रीस समवन स्पाम, रिश्वत देना। ग्रीक टू समवन अनजान, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब ग्रीक आएगा तो उसका मतलब कुछ अजीब या ऐसा ही होगा। डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, वट एवर यू आर टॉकिंग इज ग्रीक टू मी। ग्रीन फिंगर्स यानी जो गार्डनिंग में अच्छा हो, प्लांट करने में अच्छा हो, जिसे पता हो कि यहाँ पर यह मिट्टी लगेगी, यहाँ पर यह मिट्टी लगेगी, ये पौधा इस सीजन में उगेगा, ये सब। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हम कोई भी कार्टून वगैरह देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि ग्रीन जो है वो जेलस के लिए यूज होता है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी जो जेलस हो, जेलस के लिए। नैश योर टीथ, गुस्से में दांत पीसना, जो गुस्से में लोग बोलते हैं तो दांत बिल्कुल पीस के बोलते हैं, तो उसे हम कहेंगे नैश योर टीथ, गुस्से में हो। ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड यानी शमशान घाट। वर्क फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग। हेल एंड हार्टी, हेल का मतलब ही होता है फिट यानी खुश मिजाज, फिट है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाफ हार्टेड, अधूरे मन से, विदाउट एनी एक्साइटमेंट, कोई काम कर रहा है लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसको, बिना मन के कर रहा है। हैमर एंड टोंग्स, हैमर तो हमें पता है हथौड़ा, टोंग्स क्या होता है, टोंग्स होता है यानी हथौड़ा और चिमटा, दोनों ही हथियार हैं लड़ाई के लिए। हैंड इन ग्लव, हैंड और ग्लव कितने पास पास होते हैं, क्लोज रिलेटेड, तो कोई भी होंगे क्लोव, वी आर हैंड्स इन क्लोव। नेक्स्ट है हैंड टू माउथ कंडीशन, ये बहुत ही कॉमन इडियम है, आपने कई बार देखा होगा और इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जाम्स में आती आती है। हैंड टू माउथ कंडीशन यानी बहुत ही ज्यादा पुअर है, यानी कि हाथ, हैंड टू माउथ का इसका मतलब क्या है कि आप एक तरफ काम कर रहे हो और जो आमदनी हुई वो सिर्फ आपके खाने पे खर्च हो रही है। हैंड टू माउथ, हाथ से कमाया और सीधा मुंह में गया। हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हार्ड नट टू क्रैक, नट यानी कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, जो बाकी नट्स हैं वो तो टूट गया आराम से, लेकिन ये वाला जो है ये मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क। हैव द लास्ट लाफ, अंत में जिसकी विजय हो, टू विन एट लास्ट, बड़ी मुश्किल से। और इसको ये इडियम थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हैव ही यूज होता है, अगर किसी सिंगुलर के लिए आप यूज करोगे तब ये हैव यूज करोगे। सचिन तेंदुलकर हैव द लास्ट लाफ, वरना हैज यूज होता, सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर हैज द लास्ट लाफ, लेकिन वो गलत हो जाएगा, हैव ही आता है इसमें। हेड और टेल, नॉट मेक हेड और टेल, ये इसका हिंदी में क्या हम कभी कभार यूज करते हैं कि उसकी बात का ना तो कोई सिर था ना कोई पैर था, कोई बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिना लॉजिक के कोई बात कर रहा हो। हेड ओवर हील्स यानी सिर से लेके पैर तक पूरा डूबा हुआ है, डीपली इन्वॉल्व्ड है। हार्ट इन वन्स माउथ, इतना ज्यादा डर जाना, इतना ज्यादा नर्वस हो जाना कि आपका जो दिल है वो उछल कर मुंह तक आ गया, माई हार्ट इट वॉज इन माई माउथ। कोई आप रियलिटी शो देखते होगे और उसमें कोई स्टंट करता है तब आपने कमेंट सुना होगा जजेस से, माई हार्ट वॉज इन माई माउथ। हिट द बुल्स आई, बुल्स आई निशाना लगाया बुल की आंख में, हमें चिड़िया की आंख पता है अर्जुन से, लेकिन जो फॉरन है उनमें बुल्स आई। नेक्स्ट है हस्बैंड वन्स रिसोर्सेज, हस्बैंड का मतलब होता है बचाना, रिसोर्सेज। यूज समथिंग केयरफुली विदाउट वेस्टिंग, कोई वेस्टेज नहीं हो रही। हैव अ ब्लास्ट यानी हैव अ ग्रेट टाइम। नेक्स्ट है आई, आई से करेंगे हम, आइसिंग ऑन द केक यानी सोने पे सुहागा, केक बना हुआ है और उसके ऊपर आप आइसिंग भी कर रहे हो, एन अट्रैक्टिव बट एसेंशियल एडिशन। नेक्स्ट है इन अनदर्स शूज, टू बी इन समवन्स शूज, इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद को उसकी जगह रखकर देख रहे हो कि उसकी लाइफ कैसी है। एक्सपीरियंस समथिंग एज अनदर पर्सन माइट। इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस हमने पढ़ा था, उसका मतलब आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हार्नेस का मतलब होता है ड्यूटी। इन द गुड बुक्स यानी कि किसी की नजरों में अच्छा होना, समवन्स फेवरेट।
इन द रेड, टू बी इन डेट, रेड यानी रेड अलर्ट आ गया, आप रेड में हो, आप डेट में हो, उधारी में चल रहे हो। इट टेक्स टू टू टैंगो, टैंगो मैंने बताया था चिमटा, चिमटा कैसे बजेगा जब दो होंगे, तो बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फाइट। इसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ चाहिए, यानी दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है जे, जे से क्या है, जॉ ड्रॉप्ड, यानी मुंह खुला का खुला रह जाना, शॉक्ड। जंप शिप, कोई शिप है उसमें कोई काम कर रहा है लेकिन वो रिजाइन कर देता है, जंप कर देता है शिप से कि मुझे नहीं काम करना। के, कीप एन ओपन हाउस टू वेलकम, अगर आप किसी का वेलकम कर रहे हो तो घर खुला ही रखोगे। कीप आईज पील्ड, पील्ड का मतलब है छीलना, आंखें खुली की खुली आपकी, आप बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हो। वॉच केयरफुली के लिए भी एक इडियम था, किसी बर्ड से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिखना अगर किसी को याद हो तो। कीप वंस वर्ड, जुबान का पक्का होना। टू डू व्हाट हैज प्रॉमिस्ड, जो आपने प्रॉमिस किया है वही करना। किंग ऑफ मेटल्स, किंग ऑफ मेटल्स क्या होगा, गोल्ड। किथ एंड किन है लिटरेज के लिए, बहुत ही कॉमन है ये, पूछा भी जाता है। कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट बॉइलिंग यानी उसे लगाए रखो काम पे, पॉट बॉइल हो रहा है करने दो, होने दो उसे, अभी और टाइम है। टू कंटिन्यू समथिंग, कीप अंडर वंस हैट, छुपा के रखना टोपी के नीचे सीक्रेटली। नेक्स्ट हमारा लेटर आ गया एल, लार्जर देन लाइफ, ये किसने नहीं सुना होगा टैगलाइन, लिव लाइफ लार्जर देन लाइफ, मोर देन ऑर्डिनरी, खास तरीके से जियो अगर जीना ही है तो। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई आप चीज ढूंढ रहे हो तो आपको लगता है कि इस स्टोन के नीचे हो सकती है, उस स्टोन के नीचे हो सकती है, तो आप हर एक स्टोन उठाकर देख रहे हो, कोई भी स्टोन नहीं छोड़ रहे, यानी आप हर पॉसिबल वे कर रहे हो उस काम को करने के लिए, ट्राई एवरी पॉसिबल मेथड। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट है यानी कुछ गड़बड़ है कॉम्प्लीमेंट में भी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना किसी को, तो तारीफ कर दी आपने लेकिन वो है एक इंसल्ट, एन इंसल्ट इन द गाइज ऑफ प्रेज। नेक्स्ट है लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया उसे भूल जाओ। टू फॉरगेट आर्ग्यूमेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट, नेक्स्ट हमारा है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू वन हु इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, कोई कुत्ता अगर सो रहा है तो उसे सोने दो, छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो वो आपके लिए। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो बैग में आपने कैट छुपा कर रख रखी थी उसे आपने निकाल दिया, यानी आपने वो सीक्रेट रिवील कर दिया जो आपने काफी टाइम से छुपा कर रख रखा था। नेक्स्ट है लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल, कोई टनल है उसमें आप जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है लेकिन आपको आखिरकार एक लाइट दिखती है, यानी एक उम्मीद दिखती है, इंडिकेशन ऑफ एंड ऑफ डिफिकल्टी, जो आपकी मुसीबत है वो अब खत्म होने वाली है। लायन शेर, जो शेर है, अगर सारे जानवर हैं और लायन का जो शेर है वो सबसे बड़ा ही होगा, तो अगर आप कोई भी मान लो केक खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो उसमें अगर कोई बिगेस्ट शेर लेता है, सबसे बड़ा हिस्सा ले सकते हो, तो आप उसे कह सकते हो कि यू हैव द लायन शेर। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीव, टू कंसिडर पॉसिबल डेंजर्स बिफोर एन एक्ट, कुछ भी आप कर रहे हो उससे पहले आप सोच लो कि क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। लूज वंस हेड, पैनिक करना कि आप घबरा जाओ किसी से। आगे के idioms हम कल करेंगे, नया नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपकी कोई idiom बहुत ज्यादा फेवरेट हो, कोई बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगी हो।